कृष्ण का चरित्र ऐसा चरित्र है जिस चरित्र को समझने की आवश्यकता। एक बार में ऐसा प्रतीत होता है कि ये कृष्ण है, ये तो बड़ा साधारण सा, बहुत ही अलग सा, जो मान मर्यादाओं से परे है, शास्त्रों की विधानों से परे है, ऐसा मित्र है, ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन जब हम कृष्ण के चरित्र का गहन अध्ययन करते हैं, जब हम कृष्ण के चरित्र का सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तब हमको पता लगता है कि कृष्ण का चरित्र वो नहीं है जो हमने समझा, जो हमने जाना। और ये ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा कईयों बार हुआ है, कईयों जगहों पर हुआ है। रास पंचाध्यायी आप उठा करके देखिए, आप जो है चीर हरण की लीला उठा करके देखिए, भगवान के गोवर्धन पर्वत को धारण करने की जो लीला है उस लीला को धारण कर देखिए, भगवान ने जो इंद्र का मान मर्दन किया है उस लीला का आप दर्शन कीजिए। तो कृष्ण का चरित्र अपने आप में एक ऐसा चरित्र, जिस समय अर्जुन ने ये विचार कर लिया कि मैं मारूंगा नहीं, उस समय कृष्ण ने समर भूमि पर, युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि तू युद्ध कर, ये तेरा क्षत्र धर्म है, तेरा क्षत्र धर्म कह रहा है, क्षत्रिय धर्म कह रहा है, नहीं तो ये युद्ध करना है, तुझे युद्ध से विमुख नहीं होना है। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् युधिष्ठिर कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो तू, ऐसे खड़ा मत हो। कृष्ण का ऐसा अद्भुत चरित्र, जिस चरित्र के बारे में लोग अक्सर, चूंकि वो जानते नहीं, उन्हें कभी स्वीकार, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी आचार्यों के चरणों में जाकर के कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया उस चरित्र को, इस कारण से लोगों को पता नहीं कि कृष्ण का चरित्र क्या है। कृष्ण का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अगर रास भी रचाया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक भाव छिपा हुआ है, वैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में मेरा विचार कर। भगवान श्री कृष्ण ने अगर गोवर्धन पर्वत को उठाया है तो उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण छिपा, एक सामाजिक, एक पर्यावरण से संबंधित, एक अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है उसके अंतर्गत। बहुत सारे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र है, उन चरित्रों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तब हमको पता लगता है कि कृष्ण का चरित्र ये चरित्र नहीं है जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा। कृष्ण का चरित्र कुछ और चरित्र है, और वह चरित्र क्या है, यहां पर जब हम लोग अध्ययन करते हमें पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देख लिया वहां पर कि ये जो रानियां हैं, ये रानियां मेरे इस मित्र के प्रति उनके मन में संकोच हो रहा है, उन रानियों के प्रति, उन वो ब्राह्मण के प्रति वह संकोच कर रही हैं, तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई। और जरा विचार कीजिए, कथा में भी उन्होंने वो प्रसंग नहीं सुनाया जिसको आजकल हम और आप लोग जो है अक्सर करके कथा में सुनते हैं। ये प्रसंग तो श्रीमद् भागवत में है ही नहीं, जिस प्रसंग वो भगवान श्री कृष्ण ने लेश मात्र भी ना तो हृदय में चित्त में धारण किया, और ना ही भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस प्रसंग को वहां पर सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को बिठाया और बड़े प्रेम से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर के परस्पर कथा, बड़े बचपन की यादें, बचपन की स्मृतियां उनको याद आने लगी। अब जरा विचार कीजिए, क्या याद भी क्या आ रहा है भगवान श्री कृष्ण को? भगवान श्री कृष्ण ने उसमें ये याद नहीं किया कि हम और तुम लोग दोनों गए थे और हम दोनों ने जाकर के एक पेड़, हमें जो है गुरु माता ने हमको लकड़ियां लाने के लिए भेजा था और हम उन कथा में अक्सर करके हमने क्या सुना है? जरा विचार कीजिए। अब कथा पर आई, हम कथा में सुनते हैं कि एक दीनहीन ब्राह्मण था, उस वह दीनहीन ब्राह्मण वह गुरु माता के कहने पर लकड़ियां जो भगवान श्री कृष्ण का सखा था, दोनों परस्पर मित्र भाव से जो है वन में गए, गुरु माता ने उनको चने दे दिए थे। और जरा विचार की, सुदामा जी महाराज ने उन
चनों को, जरा विचार कीजिए, उन चनों को उन्होंने बिना कृष्ण को दिए खा लिया, और उस कारण से उनको गुरु माता का श्राप लगा। ये कथा होगी, बिल्कुल अवश्य होगी, कल्पा बिल्कुल क्यों नहीं होगी, हमने सुनी है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा की लेश मात्र भी चर्चा नहीं, लेश मात्र भी चर्चा नहीं। यह भी हमारे संतों ने जो बड़ा सुंदर भाव दिया है, ये भाव भी अपने आप में बड़ा अद्भुत भाव है। उन्होंने इस भाव के अंतर्गत में कहा कि जो भगवान को बिना भोग लगाए खा लेते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, जो भगवान को बिना भोग लगाए, भगवान का प्रसाद बिना बनाए खा लेते हैं संसार में, या लोगों का भाग को खा लेते हैं, उनकी स्थिति जो है ऐसी होती है। ये अलग भाव है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी, रानियों के सन्मुख में जब चर्चा पर चर्चा हुई, तो रानियों के सन्मुख भी भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर यह चर्चा नहीं की, सब चर्चा की के मित्रों, इस संसार में आपने गृहस्थ धर्म का परिपालन किया, गृहस्थ धर्म के जो पंच महायज्ञ आदि इत्यादि से हैं, वह सन्यासी धर्म से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना मैं गुरुदेव की सेवा से। मैं वे गुरुदेव के मर्म को बता रहे हैं कि हमने और आपने मिलकर के जो बचपन में गुरुदेव की सेवा की है, जो उनके चरणों की सेवा शुश्रूषा किया हुआ है, हे प्रभु मैं उनसे संतुष्ट होता। और प्रभु पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, जब हम लोग उस समय की बात आपको याद है, जरा विचार कीजिए किस समय की है, जिस समय हमको ईंधन लाने के लिए हमको जो है वन में गुरु माने हमको गुरु पत्नी ने हमको जो है वन में भेजा था। और उस समय पर क्या हुआ था कि प्रवेष्ठानाम् महारण्यम् मवर्तो मसु महत्वजः वात वर्ष मत भूत तीव्रम निष्ठुरास्तनयत्नवः। हे प्रभु उस समय पर इतना तीव्र जो है बिना ऋतु के, हम जब घनघोर जंगल में गए हुए थे तो बिना ऋतु के बहुत ही भयंकर आंधी और पानी आ, और जब तक सूर्यास्त तब तक को बोले क्या हुआ, हम जब तक वापस लौटते तब तक सूर्यास्त तो हो गया, और जब सूर्यास्त हो गया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। अब उस समय पर इतना मूसलाधार पानी पड़ा कि हमको ये ही पता नहीं चलता था कि पानी कहाँ है और धरती कहाँ है, पूरी धरती सब कुछ पानी से आच्छादित हो गई। तो उस समय पर वर्षा क्या आती भाई, छोटा मोटा प्रलय था, और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जंगल में घूम रहे थे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपन जी महाराज को, हमारे गुरुदेव सांदीपन जी को पता लगा कि भाई वो दोनों नहीं आए, तो दूसरे दिन सूर्योदय में वो हम दोनों को ढूंढते हुए आए, और आकर के उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं, कह रहे आश्चर्य किया है। जरा विचार, अब यहां पर ये कथा बिल्कुल ही पलट गई। अब ये कथा क्या थी, कथा में थे कि दोनों जो है परस्पर उस पर पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, है कथा यही सुनी है, कथा यही सुनी है। अब भागवत में भी आप अधिकतर भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज दोनों चढ़े हुए हैं, और भगवान कृष्ण क्या, अरे कोई मित्र अपने मित्र की कोई बुराई भलाई, बुराई को कभी, अगर सच्चा मित्र होगा भाई तो कभी भी कोई भी गलत कार्य को वह अपने समाज के, अपनी पत्नी के, परिवार के सन्मुख कभी भी प्रकट नहीं करेगा।